पंजाब सरकार का तो मैनू इस बारे नहीं पता भेजी गई है कि नहीं भेजी गई हजे तक, लेकिन अगर नहीं भेजी गई तो सानू तो सब कुछ ही पता है, इदा ही हो रहा है। पहला भी सब कुछ अनाउंस कर दिता गया कि घर घर आटा मिलेगा, महाराजा रणजीत सिंह जी दे भगत सिंह जी दे स्टैचू लाए जाएंगे, 1000 रुपया दे दिता गया है, 2500 रुपया पेंशन आ गई है। सो ये तो पहले ही इदा काम चलता है, लोगों को पता है कि नवा नवा बदलाव आया है, इस तरह चल रहा है। असी तो क्या ही नहीं, ये तो अपने आप ही इन्होंने जाके पहला हिमाचल च मन बनाया सी कि ओल्ड पेंशन स्कीम असी नोटिफिकेशन हिमाचल दे विच जाके करांगे, फिर हिमाचल तो बदले फिर इन्हों का इरादा सी गुजरात च करांगे नोटिफिकेशन। अज उड़ीक रहे, इन्होंने तो लाहा लेना सी, इन्होंने तो गल करनी सी इलेक्शन दे विच, और मैनू नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैनू उम्मीद नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम नू लागू कर पाउणगे जां करनगे। हिमाचल विच तां उन्होंने अनाउंस किया जी, हजे सरकार कल बनी है, मुख्यमंत्री साहब ने सौं चुकी और उन्होंने चलदिया सारे बयान दिता कि असी ओल्ड पेंशन जिहड़ी स्कीम है पहली कैबिनेट च लागू करांगे। और राजस्थान ने जिवें तुसीं कहा कि दिल्ली सरकार ने गल कहती है, हालांकि कांग्रेस की सरकार है कि ओल्ड आ जिहड़ी पेंशन स्कीम है ऑलरेडी दिल्ली पहुँच गया उन्होंने कोल ओहदा खरड़ा, इहदा मतलब राजस्थान ते हिमाचल, क्योंकि असी कहने छत्तीसगढ़ च भी असी काम कहने घट है पर करदे ज्यादा। देखो जी चंगी गल है, मैं बधाई देना जे वो इस तरह करन, लेकिन हुण तक जिन्नी भी रिक्रूटमेंट हुई है अज तक वो कांग्रेस सरकार की रिक्रूटमेंट सीगी, जिहदे असी किसी के टेस्ट लै ले सी, किसी का इंटरव्यू बाकी सी, किसी नूं अथॉरिटी लैटर देना बाकी सी, लेकिन वड्डे वड्डे इश्तिहार लाए गए उन्हां दे विच लिखा गया इन्ने लोगों नूं नौकरी दित्ती गई, जदों नौकरी लाउणगे उदों गल करांगे। अज तो 6 महीने दीआं पहलां मैं गल्लां सुना रहा, 1000 रुपए पेंशन दी, आटा घर घर वंडन दी, पहली जदों विधानसभा च कहा सी कि भगत सिंह जी का बुत ला दिता जाएगा, बुत का की लाउणा सी, कनैक्शन कट दिता गया। ठीक है जी, हुण बाली पुछगिछ ही ना करी जाण, पहलां भी पुछगिछ होई गई, जो जनता चाहती है जो असलीयत है वो जनता के सामने रख। सो थोनू याद होना मैं पहला भी एक गल कही सी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे अ जो गुजरात के चुनाव नहीं हुए सन, हिमाचल दे देश के गृहमंत्री ने यह गल कही सी कि लॉ एंड ऑर्डर की जी स्थिति है पंजाब के अंदर गंभीर है, तो मैं थोनू यह गल कही सी कि यह चोणों नू लैके हो रहा सारा काम। हुण देश के गृहमंत्री कह रहे हैं, जबकि पंजाब का बच्चा बच्चा ये गल कह लग पाया जदों काली माता दे मंदिर ते होया अटैक, तो पहला हैंड ग्रनेड वाला जो अटैक होया सी इंटैलीजेंसी दे दफ्तर ते, उस तो बाद ये लोग कह लग पे सी कि इस तरह के घटनाक्रम पहला पंजाब दे विच ऐसियां छोटियां छोटियां वारदातां होईयां सी। फिर जदों मूसेवाला साहब ते वो कबड्डी प्लेयर अंबियां का कतल होया, फिर तो जिहड़ा चाह बनाउण वाला सी जां नाई दी दुकान ते बैठा कोई साडा भरा सी, उह इह हर व्यक्ति गल कहण लग गया कि पंजाब दे हालात गंभीर हो चुके हन। इह तां बाद च स्टेटमेंटां दिंदे आ, और अज दिन दिहाड़े सिक्योरिटी दे विच मैं तुहानूं इह गल दसां, अज सुण लो इह गल ध्यान नाल, इह तां छोटे इल्जाम दित्ते आ कि फलाने कोले 2 गनमैन सी, असीं बंदा मारता ते सिक्योरिटी पुलिस वाला वी साडा भरा गड्डी चलाता बेचारा, फलाने कोले आ सी। हुण कोई वड्डे इंजाम नूं उन्होंने इंजाम हुण वड्डे किसे काम नूं इंजाम देना है, ये तो ट्रेलर विखाया जा रहा है। वार वार असी पुलिस नूं कहा, वार वार सरकार नूं कहा, वार वार गृहमंत्री साहब नूं कहा, कृपा करके पंजाब ते तवज्जो दिओ, कृपा करके पंजाब दे हालात खराब हो रहे ने, लोग इनसिक्योर फील कर रहे ने। मैं तो इत्थों तक गल कहता हरी जी, पासपोर्ट दीआं जिहड़ीआं डेट्स है 2023 तक कोई डेट नहीं मिल रही, क्योंकि पंजाबी बाहर जाना चाहते ने, इदा कदे नहीं होया सी कि 3-3 महीने पासपोर्ट रिन्यू कराने वास्ते जां बनाउण वास्ते ये हालात पैदा पंजाब च हो गए ने। हर बंदा ये महसूस करता है कि साल 2 साल बाहर लाल आईए शायद हालात चंगे हो जाए।